नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। युवाओं के लिए अच्छी खबर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निकाली वैकेंसी, जाने कैसे करें आवेदन। बिहार में 12वीं पास के लिए निकली बहाली, 69,100 तक मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई। टेट अभ्यर्थियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब 7 साल नहीं, आजीवन वैलिड होगा सर्टिफिकेट। IGIMS में विधायकों के लिए होगी अलग व्यवस्था, आधार कार्ड लेकर जाने पर लगेगा टीका। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं मिलेगी नौकरी, नीतीश सरकार जांच का जिम्मा पुलिस को दिया। पटना में शिक्षकों का वेतन घोटाला, जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए DEO ज्योति कुमार। पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन, एक जिले में एक ही दिन में डाले जाएंगे वोट। बकाया रखने पर आज से कट जाएगी बिजली, लापरवाही पड़ेगी भारी। प्लान मंजूरी के बगैर हाईकोर्ट शताब्दी भवन के बगल में बन रही थी इमारत, न्यायालय ने लिया संज्ञान। रसोई गैस सिलेंडर के साथ विधानसभा पहुंची महिला विधायक, महंगाई के साथ RJD का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं और आपकी शिक्षा इंटर या ग्रेजुएशन है तो आपके लिए बेहतर मौका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ASIC ने कुल 6,552 पदों पर रिक्तियां निकाली है। यदि जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे ASIC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 3 पद हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, केशियर और स्टेनोग्राफर। अपर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन केशियर के लिए कुल 6,306 पद हैं, वहीं स्टेनोग्राफर के लिए कुल 246 पद हैं। आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेगी। साथ ही साथ इन पदों के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक तय की गई है। स्टेनोग्राफर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि अपर डिवीजन क्लर्क केशियर के पद के लिए आवेदन स्नातक पास उम्मीदवार ही कर सकते हैं। स्नातक होने के साथ उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क केसीआर पदों का चयन लिखित परीक्षा और स्क्रूटनी कम फिटनेस परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जबकि स्टेनोग्राफर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने अग्निशमन सेवा में फायरमैन की 2380 पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी 2021 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने के इच्छुक कैंडिडेट 25 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को सबसे पहले केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। कांस्टेबल रैंक पर अग्निक पद की 2380 रिक्तियों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको केंद्रीय चयन पार्षद की वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर बिहार फायर सर्विसेज के टैब या एडवर्टाइज पर बाय ग्रुप में जाकर एडवर्टाइज नंबर 01/2021 पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आवेदन का लिंक खुल जाएगा। विधान परिषद में मंगलवार को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने टेट परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। विजय चौधरी ने ऐलान किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 29 अगस्त 2020 को NCTE की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। हालांकि इसका फायदा केवल वैसे परीक्षार्थियों को मिलेगा जिन्होंने 29 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाली टेट परीक्षाएं दी थी। इससे पहले की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी वैधता 7 साल तक की ही रहेगी। पहले पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए कोई राहत नहीं है। 2012 में एस्टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की वैधता 7 साल से बढ़ा दी गई थी। सरकार ने इसे 2 साल बढ़ाया था। यह निर्णय जून 2019 में सरकार ने लिया था। इन अभ्यर्थियों की पात्रता 2021 तक कर दी गई थी। कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई है। सोमवार को बिहार के CM नीतीश कुमार ने IGIMS में कोरोना का टीका लिया और बिहार के सभी लोगों से भी कोरोना का टीका लेने की बात कही है। वहीं IGIMS में मंगलवार से सभी विधायकों और विधान पार्षदों को टीकाकरण किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दिन में 1 बजे से शाम 7 बजे तक
विधायकों और विधान पार्षदों के टीकाकरण का इंतजाम रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विधायकों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हालांकि इसके लिए विधायकों को आधार कार्ड लेकर IGIMS जाना होगा। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का टीकाकरण अब विधानमंडल परिसर में नहीं होगा। इनके लिए IGIMS में अलग से सेंटर बनाया गया है। सदन में सूचना दी गई थी कि सदस्यों के लिए परिसर में ही टीकाकरण का इंतजाम किया जाएगा। अस्पताल में ही टीका देने की केंद्र की गाइडलाइन के कारण इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। विचार विमर्श के बाद IGIMS में अलग से केंद्र बनाया गया है। बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजन के लिए भी चरित्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बगैर आपको बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक किसी तरह के नियोजन के दौरान उम्मीदवार को खुद सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। अगर किसी उम्मीदवार ने अपने ऊपर दायर आपराधिक मामले को छुपाया तो उसे कदाचार माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ा आदेश सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, DGP, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को जारी कर दिया है। संविदा पर नियोजन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को सत्यापन का फॉर्म खुद भरना होगा। इसमें उन्हें पूरी तरह से सही जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थियों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना सही सही देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कदाचार माना जाएगा। फॉर्म का सत्यापन के लिए संबंधित DM के माध्यम से पुलिस के पास भेजा जाएगा। चरित्र सत्यापित होने के बाद ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार की इजाजत से नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। पटना जिले में सैकड़ों शिक्षकों को गलत तरीके से वरीय वेतनमान और प्रमोशन देने के मामले में जांच पूरी कर ली गई है। जांच की रिपोर्ट RDDA ने पटना प्रमंडलीय आयुक्त को सौंप दी है। आपको बता दें कि पटना में 600 से अधिक शिक्षकों को प्रोन्नति देकर उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया गया था। इस मामले का खुलासा होने के बाद शिक्षकों से वेतन वापसी के लिए विभाग ने पहल की। प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट में तत्कालीन DEO पत्र पर दबाने का आरोप सही पाया गया है। पटना के पूर्व DEO ज्योति कुमार और तत्कालीन DPO केशव कुमार ने 600 से अधिक शिक्षकों को प्रोन्नति देकर उन्हें बढ़ा हुआ वेतन दिलाया। DEO पर आरोप लगने के बाद इसकी जांच की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा पटना DEO को बढ़ा हुआ वेतन देकर ऐसा वापस लेने का आदेश दिया गया था। इसके लिए विभाग में DEO ज्योति कुमार को जुलाई 2020 में ही पत्र भेज दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभाग की तरफ से आदेश दे दिए जाने के बावजूद भी ज्योति कुमार इसे दबाए बैठे थे। पटना प्रमंडल कार्यालय के अधिकारियों की माने तो 7 महीने बाद पूर्व DEO ज्योति कुमार ने फरवरी 2021 में वेतन में बढ़ी हुई राशि को वापस लेने के लिए पत्र जारी किया। इससे सरकार की आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मामले में पूर्व DEO ज्योति कुमार के खिलाफ एक्शन ले जाने की संभावना है। राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल भले ही ना बजा हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव के तहत एक जिले के सभी पंचायतों में एक ही दिन में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। एक जिले में किसी भी स्थिति में चुनाव के लिए 2 तारीख की निर्धारित नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 3-4 प्रमंडल के 3-4 जिलों में एक ही साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम के मुताबिक बूथों की संख्या और जिले में उपलब्ध EVM की उपलब्धता के आधार पर पंचायत चुनाव की तारीखों का फैसला किया जाएगा। छोटे जिलों को बड़े जिलों के साथ जोड़कर भी चुनाव कराए जा सकेंगे। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। बिजली बिल भुगतान को लेकर लापरवाही बरतने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर बिजली बिल का बकाया नहीं चुकाया तो आज से बिजली कंपनी आपके घर की बिजली काट देगी। जी हां, पटना के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों में भी आज से बिजली काटने का मिशन 30 अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक लाइनमैन के साथ फील्ड में निकलेंगे और बकायादारों की लिस्ट के मुताबिक बिजली काटेंगे। दरअसल वित्तीय वर्ष में पूरा होने के पहले फरवरी और मार्च महीने में लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूलने के लिए बिजली कंपनी ने यह फैसला किया है। बिजली कंपनी मुख्यालय के पदाधिकारियों के मुताबिक वैसे उपभोक्ता जिनको किस्त में बकाया बिजली बिल जमा करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बावजूद किस्त की राशि जमा नहीं की जा रही है, उनकी भी बिजली काटी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली काटने के लिए पहले अलग से नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बावजूद अगर किस्त जमा नहीं की गई तो तत्काल बिजली काट दी जाएगी। बिजली बिल बकाया को लेकर राज्य के सभी जिलों में अलग अलग समीक्षा हो रही है।
शनिवार को हाईकोर्ट की नई शताब्दी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। इस शताब्दी भवन के ठीक बगल में पटना नगर निगम ने मंजूरी लिए बगैर एक इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। हाईकोर्ट के मजार के बगल में ही बन रही इमारत पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। शनिवार को उद्घाटन के बाद नई शताब्दी बिल्डिंग में सुनवाई का पहला दिन था और इसी दौरान जांच जजों की विशेष पीठ एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही थी, तभी उसकी नज़र हाईकोर्ट मजार के बगल में बन रही 3 मंजिला इमारत पर चली गई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया और इमारत पर की जानकारी प्राप्त कर वास्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार जनरल ने डीएम और नगर आयुक्त से बात करने के बाद कोर्ट को यह जानकारी दी कि इमारत के निर्माण के लिए निगम से कोई प्लान अप्रूवल नहीं कराया गया है। कोर्ट ने बिल्डिंग सिस्टर की मजार इमारत से हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली जाँच सदस्य विशेष पीठ ने इस पर संज्ञान लिया। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ विपक्षी दल की महिला विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। रसोई गैस सिलेंडर के साथ पहुंची आरजेडी की महिला विधायकों ने केंद्र सरकार के ऊपर महंगाई को लेकर निशाना साधा और प्रदर्शन किया। प्याज का माला पहनकर और रसोई गैस सिर पर लेकर प्रदर्शन कर रही राजद की महिला विधायकों ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। महिला विधायकों ने कहा कि जिस तरह से रसोई गैस और प्याज के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, उससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार आम लोगों को सोचने के बजाय आराम से सो रही है। उन्हें राज्य के गरीबों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।